और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। नूह में रिश्वतखोर सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल को गिरफ्तार किया गया है। 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों इन्हें गिरफ्तार किया गया। झूठा मुकदमा दर्ज करने का डर दिखाकर शिकायतकर्ता से ये रिश्वत मांग रहे थे और डायल 112 फिरोजपुर झिरका थाने में ये रिश्वतखोर दोनों लोग आपको बता दें कार्यरत थे। इनको गिरफ्तार किया गया है। गुरुग्राम एंटी करप्शन ब्यूरो पुलिस थाने में मामला भी दर्ज कर लिया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम इन दिनों काफी एक्शन में नजर आ रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, फिरोजपुर झिरका थाने में आपको बता दें डायल 112 पर तैनात सब इंस्पेक्टर और हेड कॉन्स्टेबल को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम की तरफ से गिरफ्तार किया गया है। रवि कालीरमन हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, किस तरह से ये रिश्वत की मांग की गई थी और कितने की मांग की गई और किस तरह से इन दोनों को गिरफ्तार किया गया? बिल्कुल विनय, देखिए एंटी करप्शन ब्यूरो यानी कि एसीबी की टीम ने जिला नूह में सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र तथा हेड कॉन्स्टेबल वीरपाल को 5,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। झूठा मुकदमा दर्ज करने का डर दिखाकर शिकायतकर्ताओं से रिश्वत की जो है वो मांग की जा रही थी। आरोपियों द्वारा करीब 1.5 लाख रुपए की राशि के टायर रिश्वत के तौर से पहले लिए जा चुके थे और 20,000 की रिश्वत की डिमांड जो है वो और की जा रही थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एसीबी लगातार इस प्रकार से जो भी भ्रष्ट अधिकारी या कर्मचारी जो है जो रिश्वत की मांग करते हैं उन पर लगातार एक्शन लेती हुई नजर आ रही है। तो उसी कड़ी में ये दो जो लोग हैं इनको भी हिरासत में लिया गया है, रंगे हाथों इनको गिरफ्तार किया गया है। इनमें नूह से सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र और हेड कांस्टेबल वीरपाल है। चलिए, बेहद शुक्रिया आपका रवि इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से ये कार्रवाई की गई है और झूठा मुकदमा दर्ज करने का डर दिखा रहे थे ये लोग और जो शिकायतकर्ता था उसने एंटी करप्शन ब्यूरो की इसकी शिकायत कर दी और उसके बाद ये कार्रवाई देखने को मिली।